बांग्लादेशी फॉर्मर कप्तान शाकिबुल हसन ने नेपाल को लेके जो है ना तारीफ की है, और यह तारीफ आज से एक दिन पहले जब इंटरव्यू लिया गया था तब किया गया था नेपाल को लेके। मैं आपको बताता हूँ कि क्या तारीफ की गई है, लेकिन अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, फैंस के बीच की जो बात है। देखो, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हर एक क्रिकेटर जो है पूरी दुनिया को फॉलो करता है, चाहे आप हमारे इंडिया के क्रिकेटर को ले लो, चाहे आप पाकिस्तान के क्रिकेटर को ले लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को ले लो, चाहे आप इंग्लैंड के क्रिकेटर को ले लो, हर एक क्रिकेटर दुनिया के जो है वो हर एक क्रिकेटरों को और हर एक क्रिकेट बोर्ड को जो है फॉलो करता है। बांग्लादेश के कप्तान शाकिबुल हसन ने नेपाल को लेके कहा कि नेपाल के मैंने मैचेस देखे थे वेस्टइंडीज ए के अगेंस्ट, नेपाल ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला, और ये स्टेटमेंट जब बांग्लादेश की टीम यूएसए से हार गई उसके बाद दी गई। अब देखो, यहाँ पे जो कप्तान है ना उसके अंदर उतनी ज़्यादा हेट नहीं होती है किसी भी प्लेयर्स को लेके या फिर किसी भी कंट्री को लेके, किसी भी कंट्री के प्लेयर को लेके उतना ज़्यादा वो लोग विवादों में नहीं फंसते, लेकिन जो फैंस के बीच की जो चीज़ें हैं ना वो अलग लेवल पे पहुँचती है। और देखो, जैसे ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश के फैंस जो है, अब देखो बांग्लादेश टीम हारी है तो वो जीतेगी भी, ठीक है, लेकिन बांग्लादेशी फैंस जो है नेपाल को लेके जो है बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो बुरी चीज़ें कही थी। दीपेंद्र सिंह एरी को वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि दीपेंद्र सिंह एरी नाम का कोई खिलाड़ी भी है जिन्होंने 6 छक्का मारे, जबकि पूरी दुनिया जो है इस बात को मानती है। इवन मैं कह रहा हूँ ना, बांग्लादेशी कप्तान शाकिबुल हसन भी उनकी इनिंग देखे होंगे जब दीपेंद्र सिंह एरी ने 2 बार 3 बार जो है छः बॉल पे 6 छक्का लगाया। मेरे आँख के सामने तो 2 बार लगाया, एक साइड पहले भी लगाया दीपेंद्र सिंह एरी ने, तो वो चीज़ें क्रिकेटर भी फॉलो करते हैं। लेकिन फैंस जो है, अब ये फैंस की भी गलती नहीं है, फैंस पे बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जो चीज़ें बहुत अलग लेवल से पोर्ट्रे करते हैं। अब जैसे बांग्लादेश का कोई कंटेंट क्रिएटर हुआ तो वो यहाँ पे दूसरी टीमों को छोटा दिखा के बांग्लादेश को जो है इतना बड़ा दिखा देती है और बाकी टीमों के बारे में बताता ही नहीं, तो वो चीज़ है। उसको लेके जो फैंस है वो सोचते हैं कि हमारी टीम ही दुनिया की सबसे बड़ी तुर्रम खान टीम है, बाकी टीम कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब देखो, शाकिबुल हसन ने बहुत अच्छी बात कही, वेस्टइंडीज ए को लेके, नेपाल को लेके उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा खेला, ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो बड़े वर्ड में नहीं कहा, मतलब ये ज़्यादा लंबे वर्ड में नहीं कहा, लेकिन ये जो वर्ड था वो बहुत बड़ा वर्ड था। आप सोच सकते हो शाकिबुल हसन एक लेजेंड खिलाड़ी है जो बांग्लादेश में बहुत लंबे समय से जो है खेल रहे, और अब शायद हो सकता है कि 1-2 साल में जो है शाकिबुल हसन रिटायरमेंट ले ले, वो बात अलग है, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ियों की तरफ से जब आपके लिए तारीफें निकलती है तो वो चीज़ें जो है ना आपके दिलों को छूती है, और बस यही चाहिए। जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम नेपाल के अगेंस्ट खेली थी तो हमारे प्लेयर ने भी तारीफ की थी, और तारीफ के लायक जो होते हैं उनकी तारीफ करना चाहिए। तो जब भी मैं नेपाल के प्लेयर्स को लेके कोई बड़ी बातें कहता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ें कहता हूँ, तो जो फैंस है जो जानते नहीं उतना ज़्यादा वो कहते हैं कि भाई तू नेपाल की इतने चाटता क्यों है। भाई जो चीज़ें होती है मैं वही बताता हूँ, जो अच्छा खेलते हैं मैं वही बताता हूँ, आपकी टीम भी अगर अच्छा खेलेगी तो मैं भी आपके बारे में अच्छा बताऊँगा। हालांकि बांग्लादेश की टीम अभी बहुत बुरे समय से गुजर रही है, पिछले 2 मैचेस में यूएसए के अगेंस्ट हार जाना, आप कह सकते हो ये बहुत बहुत बड़ी हार है बांग्लादेश के लिए, प्लस पाकिस्तान भी हारी थी आयरलैंड से। तो आप कह सकते हो कि T20I जो है वो सही में एक अनप्रडिक्टेबल गेम है कि कभी भी कोई भी टीम जीत सकती है, कभी भी कोई छोटी टीम आके बड़ी टीम को हरा सकती है, कभी बड़ी टीम छोटी टीम को हरा सकती है, ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे कोई भी छोटी बड़ी वाली वर्ड जो है मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो छोटी बड़ी वाली वर्ड जो मैंने आपको कहा है ये एज अ फैन जो है ना वो यूज़ करते हैं दूसरे कंट्री के क्रिकेट को लेकर। तो मैं अपने इंडियन फैन से भी कहना चाहूँगा, पाकिस्तान फैन से भी कहना चाहूँगा, बांग्लादेशी फैन से कहना चाहूँगा, नेपाली फैन से कहना चाहूँगा, अफगानिस्तान फैन से कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी कंट्री को छोटा या बड़ा ना कहे, ठीक है, क्रिकेट में आप किसी को भी छोटा नहीं कह सकते, कभी भी कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, ये अनप्रडिक्टेबल गेम है। बाकी यहाँ पे देखिए दोस्तों, शाकिबुल हसन ने बहुत बड़ा वर्ड कहा है नेपाल को लेके और तारीफें की, जो कि एक बहुत अच्छा आप कह सकते हो यहाँ पे चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी शाकिबुल हसन की तरफ से। बाकी इसको लेके आप क्या क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जनरली जानना चाहता हूँ आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।